रोज दुआ में कमजोरों को बचाने का रास्ता मांगता हूँ। तेरे को बोला ना इधर दिखाई नहीं देने का, इधर क्या किधर भी नहीं देखने का। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपने पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था, उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके। 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे
बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसे मंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा ये हटा दो ना, अभी ये हटा दो। अरे यहाँ पर देखिए, टेबल हटा दो, टेबल थोड़ा साइड कर दो। यहाँ पे आइए, आइए यहाँ पे। अभी अभी निकाल दो बाहर ही। यहाँ पर सामने देखिए भाई, घुस जा ए, हीरो पीछे जा, हाँ लाइन पे आना, जूम नहीं है, थैंक यू। वेलकम, कैसे आप? ऑल गुड, ऑल गुड। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आए हैं इस लॉन्च पे लिए, ब्यूटी लॉन्च, आपने अंदर से देखा भी, कैसे लगा? इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट बिकॉज़ इट्स बाय माय फ्रेंड सैंडी, सो खास मैं सैंडी के लिए आई हूँ। एंड आई गेस हम लोग की फिल्म इंडस्ट्री और ब्यूटी ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड, सो व्हेनेवर इट्स लाइक अ सलोन थिंग, इट ऑलवेज गोज वेरी नाइस, बिकॉज हम लोग को सलोन की ज़रूरत है, सलोन को सेलिब्रिटी की ज़रूरत है, सो इट्स अ वेरी गुड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड ऑल द बेस्ट टू KS ब्यूटी लाउंज, इनफैक्ट इट्स नॉट इवन अ सलोन, आप अगर अंदर देखोगे सो इट हैज़ एवरी थिंग, सो वन रूफ में सब मिल जा रहे हैं, तो हम लोग के पास टाइम नहीं होता है, तो आई गेस द बेस्ट इज KS ब्यूटी लाउंज, एक बार आ जाओ फ्रॉम हेयर टू फुल बॉडी, एनी सर्विस वी कैन डू, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू KS। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो इसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे लगे, द एस्थेटिक वेर रियली नाइस, इंटीरियर इज़ ब्यूटिफुली सेट, एंड द बेस्ट पार्ट इट इज़ स्पेशियस, क्योंकि बॉम्बे में स्पेस की बहुत कमी है, और ख़ासकर ऐसे स्पेस जब मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सलोन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कब निकलूँ, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, बट दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉपर्टी, अ बिग प्रॉपर्टी एंड ब्यूटिफुली डन। अभी तो मैं फिलहाल परसों निकल रही हूँ इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए, मिसेस इंडिया के लिए मलेशिया, सो होप फॉर ऑल द बेस्ट दैट आई विन द क्राउन, एंड बाकी रील्स तो आप लोग देख ही रहे हो, एंड आई एम श्योर यू लाइक इट,
आप लोग के सपोर्ट चाहिए। एंड वेब सीरीज मेरा 3 शूट हो गया, नवंबर अक्टूबर से रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। अधरंगी प्रोजेक्ट्स है, एक मूवी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मतलब शूट ऑलमोस्ट हाफ डन हो गया है, हाफ स्टिल लेफ्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो 3-4 थिंग्स ऑल टुगेदर, सो दिस ईयर आई रियली फील ब्लेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति टाइम में वो एक अंदर से एक ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे लगता है मतलब एवरी थिंग इज़ हैपनिंग ऑल फॉर गुड। आई रियली वॉन्टेड टू विजिट लालबागचा पर बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक एंड हैवी मूवमेंट जा नहीं पाई, पर अपने सोसाइटी में बहुत अच्छे से हुआ। शायद आप लोग को मेरा रील भी बहुत अच्छा लगा। तो दुआ यही है पप्पा से कि ऐसे ही काम मिलते रहे और काम कभी बंद ना हो, और सिर्फ हम मेरे नहीं सबके, पूरे इंडस्ट्री के सबके काम ऐसे ही चलते रहे एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल वर्क। थैंक यू, थैंक यू। हाँ अंदर चले जाएगा तो पता नहीं है, जाएंगे पता चलेगा क्या है। अच्छा है, अपना जो अपना भैया का है भाई की तरफ सपोर्ट करते हैं हमेशा, जो शिरपाल भैया, तो उनके तरफ से इन्विटेशन में आए और देखे, बहुत ही काफ़ी बहुत अच्छा था। मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्पेसियस है, मतलब हर एक चीज़ के लिए प्रोडक्ट से लेकर सब कुछ। और दोनों फ्लोर में अभी हम लोग विजिट किए तो देखे हर एक चीज़ के लिए अपना एक डिपार्टमेंट है, और बहुत अच्छा लगा, देखने में यूनिक लग रहा है कि मतलब, और स्पेसियस काफ़ी अच्छा स्पेसियस है कि लोग आए यहाँ पे, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ नाम, हाँ बहुत अच्छा है। अब नाम के बारे में शिरपाल भैया जुड़े हुए हैं, अगर वो जो भी नाम रखते हैं तो वो यूनिक ही रखते हैं सबसे पहला चीज़, तो उनका हर एक चीज़ यूनिक ही होता है। हाँ पप्पा का सीज़न है तो सही टाइम में खुला है ये, तो अच्छा जाए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। वही बताया आपको कि मतलब हर एक चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट है अंदर में, और स्पेसियस हर एक चीज़, मतलब लोग के बीच में अच्छा अच्छा स्पेस है अंदर में। अगर प्रोडक्ट आप देखो, प्रोडक्ट भी देखो, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा है। हम लोग अभी विजिट किए तो बहुत अच्छा लगा, और खुद का मतलब हमको तो घर वैसे घर का ही है समझो अपने, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज अंकिता कावरे, आई एम अ फ्रीलांस मॉडल एंड ऑल्सो आई एम फर्स्ट रनर अप एंड ऑल द मिस इंडिया 2024। एंड यहाँ का पहली बात तो लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, इट्स अ बोरीवली, लाइक एवरीबडी कैन ट्रैवल हियर एंड इट्स वेरी स्पेशियस, लाइटिंग्स बहुत अच्छे से लगाया गया है, कलर इज़ वेरी यूनिक, थीम इज़ वेरी यूनिक, एंड बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ इधर आ सकते हैं विदाउट अनकम्फर्टेबल फील करके, क्योंकि कुछ कुछ सैलॉन्स होते हैं जिनकी स्पेस थोड़ी कम होती है एंड इरिटेट होता है, लाइक वेटिंग लिस्ट रहती है, तो इधर वैसा नहीं है, इधर बहुत सारे सीट्स अवेलेबल है और इनके अपर फ्लोर में भी है, सो डिवाइड करके बनाया गया है, तो आई लाइक द इंटीरियर वेरी मच। थैंक यू। एक नंबर वाह।
वीडियोस में तो सब मुझे विलेन बोलते हैं, हाँ हीरो बोलते हैं भाई। KS Beauty Launch and I think हर आर्टिस्ट की जर्नी में और हर कलाकार की जर्नी में एक जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू रखती है। ब्यूटी कान स्टे विदाउट फैशन एंड फैशन इज मी, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम हियर एट KS Beauty Launch एंड यस हियर वी गो, लेट्स सी कि क्या न्यू है अंदर और किस तरह की सर्विसेज हैं। तो मैं तो हेयर कलर देखूंगा मेरा क्या होने वाला है, सो या तो आज करवाऊंगा या कल, सो आई थिंक परसों आपको न्यू हेयर कलर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वाइब इज वेरी लग्जरी एंड बहुत ही उम्दा तरीके से बना है, बहुत ही स्टाइलिश बना है जस्ट लाइक मी और मेरी वीडियोस की तरह बहुत ही स्टाइलिश है अंदर से। और आई थिंक सारे कपल्स को यहाँ पर आना चाहिए अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, बिकॉज देखो फिर वो एक के साथ दो हो जाएंगे, यू नो अगर लड़के आएंगे तो लड़कियाँ कहाँ जाएंगी, लड़कियाँ आएंगी तो लड़के कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कपल्स को आना चाहिए ताकि मतलब एक के साथ एक कॉम्बो मिले सब लोगों को। अरे बाप रे, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पहले आपको पता चलेगा, तो आई थिंक ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि क्या मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं एक बात बोलूँगा इसके लिए कि जब आग लगती है तो धुआं उठता है, तो धुआं उठ रहा है तो आग भी कहीं ना कहीं लग रही होगी। देखो मैं तो मसालेदार इंसान हूँ और मुझे फीकी चीज़ें बिल्कुल पसंद हैं, चाहे वो मेरी वीडियोज़ हों, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, तो आई थिंक रोमांस के साथ बहुत ज़्यादा तड़का लगेगा मसाले का घर के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर तरीके की खूबसूरत चीज़ को डेट करने वाला हूँ अंदर जाके। यस उसमें तो बहुत मारधाड़ होने वाली है मैंने सुना है, तो आई थिंक हाँ मैं उस चीज़ के लिए भी ओके हूँ, मेरा हाथ दोनों खड़े हैं। सो गाइज जैसे कि आप हमारे फैशन को ब्यूटी को देखते रहते हैं उसी तरीके से प्लीज़ विजिट KS Beauty Launch बैक टू बैक, बिकॉज आई थिंक द सर्विसेज आर सो कूल, सो ऑसम एंड इफ यू वॉन्ट दैट लग्जरी वाइब टू बी इन द सलॉन, सो प्लीज़ विजिट KS Launch। इसलिए कि मेरे काफ़ी बिजनेस है लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट एक पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कि चेन ऑफ सलून करें, बहुत सारे सलून करें करके, तो अभी फर्स्ट पहला ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ नाम मैंने ऐसा रखा है कि मुझे एक नाम कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैं खाटू श्याम जो आप बहुत दिन अभी जानते हो उनको शॉर्ट में मैंने K और S कर दिया, जिसमें वो मुरली और वो सब बना के मैंने सब KS करके उनके नाम से चालू कर दिया। हमारे काफ़ी बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन में है, हम लोग IT में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, तो हमने सोचा कि चैन ऑफ सलून में जाएं, तो डे टू डे लोगों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम उसमें जाएं करके। यहाँ पे 90% लेडीज़ के लिए है, 90% लेडीज़ के लिए ही है, ब्यूटी लाउंज है, सलून कम लाउंज ज़्यादा है, ब्यूटी लाउंज है, कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। थैंक यू सो मच सर।
पानी जी विजुअल ले लो। हाँ भाई। हाय ब्रो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये फोटो फोटो सेलिब्रिटी के लिए। सेंटर यहाँ पे देखेंगे सब लोग। सब लोग यहाँ देखिए। थैंक यू डन। बैकअप थैंक यू। अच्छा सब
आप एक एक खाली बस एक फोटो दीजिए पहले पोज दे के सामने देखिए पोज दीजिए बस सामने देखिए देखिए सामने सब लोग सामने देखिए मैंने भी सामने देखिए अब काट दीजिए तालियां आइए अंदर आइए आइए मैडम सब लोग सब लोग नहीं इसको भी नहीं मालूम चलिए मिलते का तो रेस्टोर होता हूँ ठीक है हो जाएगा कर रहेगा तो बताऊँगा तू पकड़ के कहीं से भी जूम करके बैठ जा आराम से कोई करना हमारे दुनियादारी चलो आप लोग क्या बात है धन्यवाद सब साथ में नटा मुंडी मुंडी सचिंद्र मुंडी आ रहा है कांग्रेचुलेशन ये खिलाओ वन बाय वन क्या बात है छोटा भाई श्रीपाल जैन और भाभी जी को सबसे पहले बधाई देता हूँ ये व्यक्ति कुछ ना कुछ यूनिक करता रहता है तो मैं जब जैसे ही बोरीवली में एंट्री मारा तो ऐसे यूनिक सलून देखा नहीं और फिर नाम भी काफ़ी यूनिक था के एस ब्यूटी लाउंज तो मैंने कहा के एस का फुल फॉर्म क्या है तो इसने कहा खाटू श्याम जी मैंने कहा यार खाटू श्याम जी के नाम से तूने अगर सलून रखा है तो मुझे लगता है कि हर दहीसर से लेके मरीन ड्राइव तक चर्च गेट तक हर स्टेशन में कम से कम 5 सैलून हो गई है खाटू श्याम जी का इतना बड़ा पर्चा है और इसने खाटू श्याम जी के नाम से रखा है हमारी दिल्ली इनको हार्दिक शुभकामना है कि आपका पूरा का पूरा चर्च गेट से विरार तक हर स्टेशन में कम से कम 5 सैलून हो क्या बात है खाटू श्याम के नाम से सैलून है तो क्या खाटू श्याम भक्तों के लिए कुछ ऑफर वगैरह रखने वाले श्याम भक्तों के लिए है ना ऑफर बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड की जितनी भी सेलिब्रिटी है किसी न किसी एक एक को मैं लेके आया करूंगा और इतना अच्छा ब्यूटी सलून इनका है कि मुझे भरोसा है कि वो आने के बाद काफ़ी खुश होने वाले हैं मैं अभी लालबाग के राजा का दर्शन करके आया इसके लिए सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे 5 बजे पहुँचना था मैं लेट पहुँचा हूँ तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ और गणपति बप्पा से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे श्रीपाल जैन की दुकानें ब्यूटी सलून अनगिनत हो और वैसे मैंने इसको अब ऑफर दे दिया है कि अंधेरी में मेरी जगह है तो नेक्स्ट टू ब्यूटी सलून वहीं बनाना देखो
शुरू हुई नहीं उसके पहले इसके पास डिमांड आने लगी मेरे इधर भी आओ मेरे इधर भी आओ। तो यही खाटू श्याम जी का पर्चा और गणपति बप्पा का पर्चा है। बाउंसर 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 अरे यार बाउंसर बाउंसर हेलो नितिन सर आइए सब पड़ा थैंक यू नितिन सर बाय सर बाय सर भाई यहाँ पे आज गाड़ी नजदीक में बस बस थैंक यू भाई थैंक यू भाई थैंक यू भाई स्मार्ट दिख रहे हो आज हेलो मैम मैडम सेंटर ओके मैडम फोटो 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 फोट
वेट सर सेंटर सर सेंटर में देखिए एक सौ लोग हैप्पी गणपति मैम अभी माता आ जाएंगी तो फिर नवरात्रि रहेगा ग्रेस की तो भी आती है इनवाइट करते हो बहुत और मतलब मुझे इन दिनों में जितने भी लोग आपके इंडस्ट्री से मिल रहे हैं ना दे ऑल वेरी पायस लाइक आई कैन सी यू वेरी पायस तो मालूम पड़ता है कि सब बहुत धार्मिक है बिल्कुल जो लोगों की थिंकिंग है उनके हिसाब से एवरीबॉडी इज वेरी पायस सर कहाँ है सर सर आई आई आपको चुन्नी में सर बोनस हमको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा बच्चे आ रहे हैं लेकिन मेरे को 5 मिनट्स ना स्पेशल चिल्ड्रन अरे पोस्टर रोड देख पाया वो सब मत देख वो सब अपने को देखने मिले सुनना क्या कर रहा है अच्छा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है नाश्ता ला के दे दिया उसका हाथ में इसको हां 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 हां
जाओ भाई वहीं पे लाइट अच्छा है। भाई इधर ही रुको लुक सेंटर है थैंक यू मैं दिवाली पे भी आई थी संदीप सैंडी सर के घर पे और गणपति पे भी आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है और सैंडी सर बहुत कूल बहुत मज़ेदार इंसान है और हमारा भाई बहन वाला रिश्ता है तो बहुत मज़ा आता है और पापा का दर्शन किए हैं। आई फील सो गुड। सैंडी सर का कल बर्थडे है, क्या कहना चाहोगे? आई वांट टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, हर साल आते हैं, रिचुअल है हमारी। कल सैंडी सर का बर्थडे है, क्या विशेष देना? कल थोड़ी है उनका बर्थडे, 26 को है। हैप्पी बर्थडे सैंडी, कल मना दिया। हैप्पी बर्थडे सैंडी, गॉड ब्लेस यू एंड हमेशा खुश रहे, वी लव हिम। आल्सो यू नो आपके शो को एक्सटेंशन मिल गया है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी एक्साइटमेंट है क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यार वो शो अभी ऐसा हो गया कि एकदम घर वाली फीलिंग हो गई है एंड लोगों ने इतना प्यार दे रहे ना तो सडनली हम सबके लिए बहुत खुशी होती है जब ऑडियंस आपको इतने साल बाद कैमरे पे वापस आके इतना प्यार दे। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। याद मत दिला बार बार, याद आ रही है भाई यहाँ पे साथ में। साथ में साथ में करते हैं, रुके रुके। भाई एक फोटो साथ में। उधर आ जाइए भाई, देखो ना प्लीज, एक पैर का सर मत तोड़ दो मेरा। थैंक यू भाई। निलोफर जी, दिव्यांका जी, दिव्यांका मैम साथ में करते हैं, एक साथ में साथ में। आराम से, केयरफुल। दिव्यांका जी इधर देखिए, सेंटर 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 मैम, लेफ्ट कॉर्नर मैम। कैसे हो आप? यहाँ पे सर, इधर लुकिंग नाइस। थैंक यू। चलो चलो चलो, हो गया डन। दो मिनट, दो सेकंड। कैसे मैं करूँ? हाँ जल्दी 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 लाओ, जल्दी एक मिनट। अरे यार यूनुस भाई आराम से, यूनुस भाई जल्दी जल्दी। यूनुस भाई के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। चलो चलो हम तो यार उसके लिए जितना मांगे कम है, मतलब हमारे दिल के इतने करीब है। इनका इतना प्यारा दोस्त है संदीप, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज वेरी गिफ्टेड, ही इज यारों का यार। He is extremely good at what he does and we just want to wish him a bundle of happiness and joy and prosperity and success always because he deserves it. Everyone's tripping over here. Happy Ganpati. Sorry, you disturbed me. Ab idhar aa, idhar aa. नहीं नहीं, साथ में चलते हैं ना। आपने इनकी बुक देखी है? नहीं
आपने इनकी बुक देखी कि नहीं है भाई? आई वाज सो एक्साइटेड टू रिसीव दैट बुक. पेंगुइन सेंट इट टू अस. या ओ नो यू डिड. यू आई वाज सपोज्ड टू सेंड इट लेटर. माय पब्लिशर वाज सपोज्ड टू सेंड इट फर्स्ट. Thank you so much. He didn't send it to me. I'm very proud of you. He didn't send it to me. No. Thank you. Thank you. But yeah, we're yet to read it. But the cover looks fab. Thank you so much, guys. अभी पहले birthday की wishes. संदीप सर के birthday की wishes पहले देनी है हमको. हाँ अभी. Happy birthday, Sandeep. Happy birthday to you. Sorry, sorry. Carry on. हम तो बस ठीक हैं. हम लोग. We wish you. Can you say thank you to us? No. No. So, see, no, I don't. I know you have. You've done something. I wasn't going to say anything. You've done something. I wasn't going to say anything anyway. You've done something. So I'll look at his hair. It's the style statement. We need some photo ops with you. Ek step niche. क्या अभी जी हाँ दर्शन हो रहे हैं क्या कहना चाहूँगी आपके लिए पर्सनली कितनी एक्साइटमेंट है बहुत एक्साइटमेंट है. हमारे लिए गणपति दिवाली से कम नहीं होता है. मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और मैं हर गणपति ये प्रे करता हूँ कि विवेक टाइम पे आए. लेकिन विवेक हर साल लेट आते रहते हैं. उनकी कोशिश के साथ इन्होंने मुझे वेट कराया तो अभी मैं बोलूंगा. अभी इनको मैंने क्लियरली बोला था लंच के लिए आना. ये लंच है, हम लोग लेट लंच करते हैं. ये लोग फिर भी लेट आए हैं. तो बस नहीं, बट एक्चुअली नो, आई मीन दे आर फ्रेंड्स, वी ऑलवेज बीन टुगेदर, सो वेरी नाइस टू हैव एवरीबॉडी अराउंड. एंड गणपति इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो 51 ईयर. सर स्पेशल ये है कि हम लोग सब मिलते हैं. मतलब हर साल हम मिल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं. वही सबसे स्पेशल है मुझे लगता है. जब एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, इट्स एवरी डे इज अ स्पेशल डे. एंड इट्स अ लेगेसी ना. 51 इयर्स इज, आई मीन अभी आप इनसे बात करिए, मैं दो मिनट में आता हूं. आप मॉम से आंटी नीचे ही है आई थिंक. हम मिल लिए आंटी से. ओके सर, दिव्यांग विवेक ये जानना चाहेंगे, गणपति हर साल आते हैं और यू नो हम कपल से जरूर पूछते हैं कि कब उनके घर में हमें यू नो बेबी गणपति आएंगे. आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्या बोले यार, देखो जब आना है तभी आएंगे. हाँ, और आएंगे तो डंगे की चोट पर आएंगे. वेल लास्ट क्वेश्चन, इस बार बिग बॉस आ रहा है तो क्या आप लोग एज ए कपल हम देख सकते हैं आप दोनों को? अरे हाँ, बिग बॉस यार बहुत एक्साइटिंग शो है. एज अ कपल तो आई एम डाउटिंग कि हम जाएंगे, लेकिन हाँ मैं सोच सकती हूँ कि अगर कभी विवेक गए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन्हें वहाँ पे देख के. दैट विल बी एक्साइटिंग. तुमको अच्छा लगेगा मतलब अच्छा शो है ये इंडीड एंड लोगों को बहुत पसंद आता है. तो क्यों नहीं, जो लोग भी करते हैं बहुत अच्छा है वो करते हैं. थोड़ा मैं, मेरे कप ऑफ टी नहीं है ये. अपनी बात खुद करेंगे. अगर ये जाएंगे तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा. खतरों के खिलाड़ी तो एब्सोल्युटली, दैट तो शी शॉक्ड एवरीवन देयर ना. खतरों, इट्स एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट शोज. आज तक मैंने जिंदगी में जितना काम किया है उसमें मेरा सबसे फेवरेट था. चलिए, ओके, बाय बाय बाय. हम ऊपर से पहले उतर आते हैं, दर्शन करके आते हैं. हां ठीक है, सर क्या नहीं, आप लोग कर लो, कर लो, चल चल रोल रोल हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल मनमोहन. काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, मिश्री में काफ़ी ज़्यादा आपके रोल को पसंद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? मैं थैंक यू कहूँगा और क्या, वेरी वेरी मच. ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा यू नो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चला है, अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, तो कितने एक्साइटेड हैं नए प्रोजेक्ट के साथ काम करना और ऑडियंस का काम करना? देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और एक एक्टर के लिए जब आप अलग अलग तरह के किरदार में जुटे रहते हैं, उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं, उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा ही बढ़िया वाला प्रोसेस होता है, एंटरटेनिंग प्रोसेस होता है. और उसका जो परिणाम निकलता है वो और भी एंटरटेनिंग होता है, जो कि जनता तक पहुँचता है, लोगों तक पहुँचता है, लोग उसे देखते हैं, उसे सराहते हैं. तो मेरे लिए सारा प्रोसेस बहुत सुखद है, बहुत ही एंटरटेनिंग है. और अगर ये एंटरटेनिंग होगा तो जनता भी एंटरटेन होगी. मनमोहन, बात करें अगर हम आपके ग्राफ की बात करते हैं तो इतनी आपने
चश्मे का ग्लेयर आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो हम इधर करें क्या, इसके इधर देख के बात करता हूँ। हाँ ये ठीक है, हाँ बोलो क्या ना, आँख में ही लाइट है एकदम। अरे कहीं से भी ले ले तू, चिंता ना कर भाई। हाँ देखो, मेरा काम है अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाना और मेरा काम है उसको इंजॉय करना। मैं पहले भी करता था और अब भी कर रहा हूँ, और पहले भी वही एक्साइटमेंट थी, अभी भी वही एक्साइटमेंट है। उस समय हम जब वो वाला दौर था शायद मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, तो और अब जितना मीडिया प्रभावी है, तो मैं इसका पूरा श्रेय मीडिया को दूंगा कि भाई उनकी नज़र हम पर पड़ी, उनका धन्यवाद, हम तो तब भी मेहनत कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। गहना और मिश्री काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? अरे बहुत बढ़िया शो है भाई, दोनों ही शो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और गहना, मैं एकदम विलन का रोल कर रहा हूँ, और दबंग रोल है वो, और फाड़ू रोल है एकदम, तो उसको करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है, उसके शेड्स हैं, अच्छा है। उसी तरीके से मिश्री का एक 3 महीने का ट्रैक था शुरुआती दौर में, और वो भी बहुत अच्छा रहा। उसके लिए अमूमन कोई इतना चैलेंज लेता नहीं है कि आप अपने बाल सफ़ेद करें, एज्ड हो, पेट निकाले, खा खा के मोटा जाए। हमने वो सारा कुछ किया उस 3 महीने के किरदार के लिए, बट एज एन एक्टर ये एक चैलेंज होता है, और एक्टर लेना पसंद करते हैं। जैसे आप पत्रकार लोग हैं, आप कहीं पर भी पहुँच जाते हैं, अगर वॉर वाली जगह पर भी पहुँच जाते हैं, है ना, तो ये आप लोगों का चैलेंज है, ये आप लोगों के जो इसको एक्सेप्ट करते हैं और पत्रकारिता करते हैं। उसी तरीके से हमारा काम है कि हम अलग अलग किरदारों को जीवंत करें, तो ये मेरे लिए मिश्री का जो किरदार था ये जीवंत करने जैसा किरदार था, कि मैं ये डिफरेंट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और मैं वो कर पाया, तो उसका उसका सुखद अनुभव है। कुमकुम भाग्य, कुमकुम भाग्य और प्रतिज्ञा, राइट, प्रतिज्ञा जैसे शो किए हैं, वहाँ के स्टार कास्ट की बात करूँ तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने वेब सीरीज की तरफ रुख कर दिया है, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की तरफ रुख कर दिया है, कभी आपने नहीं सोचा कि हम भी उसी तरफ निकल के चलते हैं? देखो अब कहीं का कोई रुख नहीं है भाई, सारे रुख एक हो चुके हैं, क्या सिनेमा, क्या टीवी, क्या वेब सीरीज, सब अब वो जो कहते हैं ना कि बड़ा पर्दा ही बड़ा पर्दा है, अदरवाइज सारे पर्दे एक पर्दे हैं। अब पंकज त्रिपाठी जी टीवी भी करते हैं, वेब सीरीज़ भी करते हैं, वो ऐड भी करते हैं, वो फिल्में भी करते हैं। शाहरुख खान और जब टीवी पर आकर के अगर किसी चीज़ को होस्ट करने लग गए, तो उन लोगों ने, बच्चन साहब ने, इन लोगों ने वो जो एक जो अंतर हुआ करता था ना कि टीवी, वो अंतर ख़त्म हो चुका है दोस्त। अब टीवी में भी आप उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितना सिनेमा में कमा रहे हैं, तो अब वो चीज़ें बदल गई हैं। आज भोजपुरी से पवन सिंह जा करके हिंदी में गाना गाते हैं और वो सुपर डुपर हिट हो जाता है, कुछ तो कंट्रीब्यूशन उसका भी मिलेगा ही ना फिल्म को। तो वो जो अंतर भेद है ना वो हट गया है। अब अगर एक कोई कानपुर में बैठी लड़की वहाँ पे रील बना रही है और शाहरुख खान साहब उन्हें अपने घर पे इनवाइट करके अपनी पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो समझ लो वो अंतर भेद ख़त्म हो गया है, वो अंतर भेद समाप्त हो चुका है। कहीं पर भी रह करके अच्छा कंटेंट बना करके आप हिट हो सकते हैं, तो हम यहीं पर रह करके अच्छा कंटेंट का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल देखिए, हाँ संकटे का आतंक था एकदम बढ़िया, सरकटे का बहुत अच्छी फिल्म है यार, वो बहुत प्यारी फिल्म है, और आई एम सो प्राउड ऑफ दिस सिनेमा, दिस फिल्म एक्चुअली, क्योंकि ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं वैसे तो मैं इस तरह की भावना नहीं रखता हूँ कि ये बॉलीवुड सिनेमा और ये टॉलीवुड सिनेमा और ये साउथ का सिनेमा और ये बिहार का सिनेमा, आई डोंट बिलीव इन दिस। सिनेमा इज सिनेमा, सिनेमा की एक ही पहचान होती है, और वो कला से होती है और वो अभिनय से होती है, वो अच्छी कहानियों से होती है,
उस और हम हिंदुस्तानी हैं और वो सारा सिनेमा हिंदुस्तानी है, बट फिर भी कुछ लोगों में दंभ जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग वो थोड़ा सा, तो कुछ लोगों के बयान, जैसे अभी अरशद वारसी ने कुछ तो कहा है ना, और उसने ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि प्रभास जोकर हैं, बिल्कुल भी नहीं कहा कि प्रभास जोकर है, उन्होंने कहा कि बल्कि सिंपैथी दिखाई कि प्रभास जैसा एक कैरेक्टर जो कि इतना बड़ा कैरेक्टर है, आफ्टर बाहुबली हम प्रभास को यूं देखते हैं, और एक किरदार उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला कि उस किरदार को जोकर जैसा उन्होंने बना दिया, तो ये क्या था, ये अरशद वारसी का एक परसेप्शन था जो कि किरदार को लेकर के था, हाँ, और पलट करके कुछ लोग, मतलब आई एम फैन ऑफ नैनी ऑल्सो, वो पलट करके बोलते हैं कि उन्होंने ओछी पब्लिसिटी के लिए करा, बाद में वो सॉरी बोल देते हैं, तो बीइंग एन एक्टर ना हम लोगों को बड़ा गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सिनेमा को नहीं, एक वर्ग को नहीं, हम समाज का प्रतिबिंब हैं, हम लोग ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो भोजपुरी यूपी बिहार की भाषा है, ये एक सिर्फ भाषा ही नहीं है, ये उस पूरे प्रांत को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो इतना सभी मैं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि यार बिहारी ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं सोचते हैं यार, हम लोग साउथ की फिल्मों को डब में देख देख के हम लोगों ने सुपर हिट किया है भाई, ये जो लॉकडाउन आया ये साउथ के लिए वरदान साबित हुआ कि हम सब लोगों ने साउथ की फिल्मों को डब यूट्यूब में देखा और अब वो इतना वो लोग पॉपुलर हो गए, तो ये ग्रैटिट्यूड देने का समय है, न कि दंभ करने का समय कि हमारा सिनेमा अरबों कमा रहा है करोड़ों कमा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हम सब एक सिनेमा है, जैसे कि राजा मौली ने भी बोला कि ये भारतीय सिनेमा है, हिंदुस्तानी सिनेमा है, तो एक्टर का हम लोगों को ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, हम सब लोगों के लिए, चाहे वो बड़े सुपरस्टार हो चाहे वो छोटे सुपरस्टार हो, इसीलिए शाहरुख खान है, कभी भी वो अपनी इस गरिमा को तोड़ते नहीं हैं, कभी भी वो उनकी इंटेलिजेंसी उनकी ताकत है, वो हमेशा हर सिनेमा को बड़ी इज्जत देते हैं, हर इंसान को बहुत इज्जत देते हैं, इसीलिए शाहरुख खान है, कोई दूसरा शाहरुख खान नहीं हो सकता, बच्चन साहब इसीलिए बच्चन साहब है क्योंकि वो हमेशा गरिमापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो किसी भी एक्टर को आवेशित नहीं होना चाहिए भाषा में इतना कि वो किसी के लिए कुछ ऊटपटांग बोल दे। अरे भैया वो तो चैनल वाले बताएंगे, देखो ये उनका एक्सक्लूसिव मैटर है, हम लोगों को तो पैसा दिया जा रहा है, हम जाकर कलाकार हैं, हम लोग चरित्र जी देंगे, बट ये है कि हाँ मैं कुछ भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगी। किस तरीके के कैरेक्टर होने वाले हैं? अब हीरो ही करूँगा और अगर विलन भी करूँगा तो मैं बता दूँगा, अभी तक तो भी जो तीनों कर रहा हूँ मैं उसमें हीरो ही हूँ, और कहानियाँ अच्छी हैं, मैं ये कहूँगा कि भोजपुरी में एक समय दौर था कि बस हम माई के बदला ले बहिन के बदला ले टाइप सिनेमा बनता था, वो बहुत क्लीशे था, तो वो उस क्लीशे को तोड़ा जा रहा है, उसमें अलग अलग तरह की कहानियाँ कही जा रही हैं, कहानियाँ से मतलब एक ऐसी लड़की की कहानी हो सकती है जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब एक ऐसी पत्नी की कहानी, और अब वो बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करे, वो बच्चा गोद लेंगे क्या, या वो जो एक सरोगेसी टाइप में जो बोला जाता है, अभी वो जो मैं कहानी कर रहा हूँ थोड़ा सा इर्द गिर्द है इसके, है ना, अभी बता दे रहा हूँ। मनमोहन आप अपने भी ग्रे को तोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर हम रात की बात करते हैं तो आपने हमेशा दबंगई जैसे रोल कैरेक्टर प्ले किए हैं, इनमें कहीं ना कहीं हीरो के कैरेक्टर को प्ले करोगे तो कहीं ना कहीं नम दिखे जाओगे। नहीं, पर मैंने हमेशा से इसको तोड़ा है दोस्त, है ना, तो जब मैं प्रतिज्ञा करता था उसके बाद मैंने हम है ना किया, वो बहुत ही पॉजिटिव रोल था, उसमें मैंने कॉमेडी करी है, नवरंगी रे में मैंने कॉमेडी करी है, होंगे जुदा ना हम मैंने कॉमेडी करी है, और जय भारती में मैं हीरो बना हूँ, तो मैंने हमेशा उसको तोड़ा है, और कुमकुम भाग्य में मैं ऐसा विलन बना था जो कॉमेडी करता है, और मतलब वो कहता है कि देखो तुम्हारे लिए हम अपना खेत बेच दिए, द्वार बेच दिए, हमारे यहाँ 20-20 गाय थी, 5 बैल थे, 18 ट्रैक्टर थे, सब बेच करके तुम्हारे पास आए डार्लिंग, तुम हमको मना कर रही हो, तो मतलब ये इस तरह का किरदार भी किया है, तो मैंने हमेशा उसको तोड़ा एज एन एक्टर, उसको ब्रेक किया है मैंने हमेशा, और उसमें मुझे सफलता भी मिली है, और मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ जो कंटेंट का कीड़ा करके यूट्यूब का सुपरहिट चैनल है, वो उसे मैंने 4-5 फिल्में करी हैं जो कि जिसमें मैं फुल ऑन पॉजिटिव और कॉमेडी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, अभी मैंने उसमें भी 2 नेगेटिव प्ले करे हैं, साइको कर किया है,
तो एज एन एक्टर तो ये हमारा काम है, कर्तव्य है कि हम तोड़ते रहें अपने आप को, और हम तोड़ रहे हैं। आपका ब्रॉडकास्ट करके भी एक चैनल आ रहा है यूट्यूब पे, उसका नाम है का हलवा विद मनमोहन तिवारी। क्या बात है, बीगी फिल्में और अब यूट्यूब। हाँ, ये जर्नी के कहाँ जा रही है, कुछ बताना चाहेंगे इसका? देखो यार, जर्नी जा रही है, हम मुझे ऐसा लगता है कि वी डोंट डिसाइड आवर डेस्टिनेशन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू कीप रनिंग, कीप वॉकिंग, कीप जॉगिंग, चलते रहने का नाम है ये। और इस चलते चलते जो जो भी रास्ते में आ रहा है, वो चाय का ठेला आएगा तो चाय पी लेंगे, राजमा चावल का ठेला आएगा तो राजमा चावल खा लेंगे, भूख लगेगी तो खाएंगे ही ना। तो जो मुझे इंटरेस्टिंग मिलता रहेगा, जिसमें मेरी रुचि होगी, वो मैं करता रहूँगा। मुझे कविताएँ पसंद है तो मैं कविताएँ भी करता हूँ, मुझे लिखना पसंद, मैं लिखता भी हूँ। तो जो जो मुझसे होता जाएगा मैं करता रहूँगा। इस कला क्षेत्र में मेरा जो भी योगदान होगा, आई शुड हैव स्टोरी टू से टू माई डॉटर एंड माई सन, तो वो मेरी यही ये वो कहानियाँ बनाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बोले पापा तो ये भी करते थे, पापा ये भी करते हैं, पापा को वो भी पसंद है, तो मेरे लिए वो मेरी जीत होगी। राखी के साथ भी आपने बहुत बढ़िया ले आई तुम। हाँ हाँ, उनके स्वयंवर में टॉप फोर में थे आप। अब राखी इंडिया से बाहर रहती हैं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। क्या बात करती हो, यहाँ नहीं रहती हो, मुंबई नहीं रहती हो? अच्छा, मुंबई रहती हो। अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राखी चली गई, मैंने अपनी बहन से राखी बंधवा ली, और क्या बोलूँगा यार, राखी चली गई, वो अपना गांव, हम अपना घर, और वो जो होना था वो हो गया स्वयंवर। और राखी उस बात से नाराज़ थी कि स्वयंवर ये मनमोहन का है या मेरा है, क्योंकि उसमें हमको इतनी विजिबिलिटी मिली है, इतना लोगों ने हमें पसंद करा, शिकायत, बट जो भी है वो स्वयंवर राखी की देन थी और वो हिट हुआ उसकी वजह से। मनमोहन कभी रियलिटी शो भी करने का प्लान है कि नहीं, बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी एंड ऑल? यार मतलब अभी कोई चिंतन मंथन हमने किया नहीं है, हमको बिग बॉस जाने से थोड़ा सा परहेज है, और थोड़ा लगता है कि यार चले तो जाएंगे पर फिर कैसे उसको हम जवाब देंगे, वहाँ की सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। हर किसी का अपना एक टेम्परामेंट होता है, मैं मस्त मौला आदमी हूँ, और अगर किसी ने मेरे इस टेम्परामेंट को ब्रेक करने की कोशिश करी तो उसका क्या क्या ब्रेक होगा, तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा सा डर लगता है, और कोशिश करता हूँ कि मैं संयम से रहूँ। तो और बिग बॉस एक स्थान है जो आपके संयम को तोड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वहाँ से बचता हूँ, बाकी जब आएगा तो सोचा जाएगा। मैं कहूँगा कि भाई ये जो यात्रा है हम लोगों के जीवन की, आप इसको इन्जॉय करें, आप इसका हिस्सा बनिए पूरे विश्वास के साथ में, और इन्जॉय करिए एक एक मोमेंट को। मैं तो यही कहूँगा आपसे, अपनी ऑडियंस से और इस चैनल के ऑडियंस से। थैंक यू। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999, जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है, में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था, उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके।
12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान शाहीन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन, अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था, उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके। 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक
ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के पीएमओ के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता आईएसआई एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें आईएसआई में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहिन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और आईएसआई से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के पीएमओ के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को
मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर रतीश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और रतीश के बीच लड़ाई होती है जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी रतीश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहिन वेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता
ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था, उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके। 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है, उसने उसकी पहचान शाहीन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपने पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद
में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगीकरण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान शाहीन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन, अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगीकरण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक
ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान की PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन, अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहिन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान की PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को
मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर रतीश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और रतीश के बीच लड़ाई होती है जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी रतीश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहिन वेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगीकरण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता
ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था, उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके। 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान शाहीन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपने पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट
पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगीकरण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान शाहीन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगीकरण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक
ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान की PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन, अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट, जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है, मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहिन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान की PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को
मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर रतीश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और रतीश के बीच लड़ाई होती है जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी रतीश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहिन वेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान साहिन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपनी पिता
ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता जिवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था, उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके। 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगी करण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान शाहीन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर 3 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। लंदन अक्टूबर 1999। जोया अपने पिता ISI एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नजर के शिष्य आतिश रहमान मिलने आते हैं, जो उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। अविनाश टाइगर सिंह राठौर को ने रॉ प्रमुख और सेनाई की उत्तराधिकारी मैथिली मेनन द्वारा एक मिशन के लिए बुलाया जाता है ताकि टाइगर के पूर्व साथी गोपी आर्य को बचाया जा सके, जिसे अफगानिस्तान में उस समय पकड़ लिया गया था जब वो पाकिस्तान में योजनाबद्ध एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के बाद गोपी टाइगर को बताता है कि एक डबल एजेंट जिसे वो जोया के रूप में पहचानता है मिशन में शामिल होता है और अपनी चोरों के कारण दम तोड़ देता है। टाइगर जोया पर जासूसी करना शुरू कर देता है। बाद
में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार आपूर्तिकर्ता ज़िवरान शेख की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बताता है कि उसने जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। उसे और टाइगर के बेटे जूनियर को नशीला पदार्थ देकर और उसका अपहरण करके 12 साल पहले ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। जोया ने योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और टाइगर के माध्यम से भारतीय वाणिज्य दूतावास को गुप्त रूप से सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने भारतीय सेना प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंट को योजना के बारे में पता था, जहां उसे बाद में कैद कर लिया गया और ISI से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया राकेश सेनाई के भरोसेमंद सहयोगीकरण और नए सदस्य निखिल सहित रॉ एजेंट की अपनी टीम को आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जूनियर के बदले इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड होते हैं। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। टाइगर इस्लामाबाद जाता है और अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है। टाइगर की टीम जोया और ISI एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या की योजना बना रहे हैं, ताकि आतिश उनकी जगह ले सके। ईरानी को बचाने की कोशिश में टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के PMO में प्रवेश करती है और ईरानी की योजना का खुलासा करती है। टाइगर और जोया ईरानी को पाकिस्तान के PMO के एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर जनरल हॉक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आतिश जावेद की मदद से गुप्त रूप से जनरल हॉक को मार देता है। इस प्रक्रिया में टाइगर आतिश को बताता है कि वो जावेद के दल बदल के बारे में जानता है। उसने उसकी पहचान शाहीन के भाई के रूप में की थी। जोया जावेद को मारकर अबरार और करण की मौत का बदला लेती है। टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जो टाइगर द्वारा अविनाश को मारने के साथ समाप्त होती है। ईरानी आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर करती है। टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। पोस्ट क्रेडिट के दौरान कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करता है, जो जापान में है और उसे एक अज्ञात दुश्मन की हत्या करने का काम सौंपता है, जो एक नए युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं।